नमस्कार बच्चों, आज की हमारी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की क्लास में हम एचटीएमएल फॉर्म्स को लेकर चलेंगे। और एचटीएमएल फॉर्म्स में हमने फॉर्म एलिमेंट्स के बारे में जाना था, जैसे कि टेक्स्ट बॉक्स, टेक्स्ट एरिया और रेडियो बटन्स, चेक बॉक्सेस, ये हम क्रिएट करना सीखे थे पिछली कक्षा में। तो आज कुछ और फॉर्म एलिमेंट्स को जानेंगे ताकि हम किसी भी तरह का फॉर्म बनाने में सक्षम हों। तो जैसे कि अभी तक हमने पढ़ा, हम अगर किसी से, यूज़र से उसका नाम, सरनेम या कुछ भी सिंपल टेक्स्ट इनपुट कराना चाहते हैं तो हम इस प्रकार का टेक्स्ट बॉक्स क्रिएट कर सकते हैं। हमें इस तरह के बॉक्सेस क्रिएट करने हैं जिसमें कि यूज़र कुछ इनपुट कर सके, इनको सेलेक्ट कर सके। जैसे कि यहाँ पे मान लीजिए क्वालिफिकेशन लिखी है बीटेक, बीएससी, एमएससी, आप चाहते हैं कि कुछ सिलेक्शन करे यूजर, राइट? तो ये चेक बॉक्सेस हैं जिन पर क्लिक करके यूजर इनपुट दे सकता है कि भाई उसने ये दो ऑप्शन चुने हैं। तो मान लीजिए आपने एक कैटेगरी ली क्वालिफिकेशन, तो उसने दो इनपुट्स दिए, तो उस क्वालिफिकेशन के अंदर इस यूज़र के लिए हम सेव करवा सकते हैं बीटेक और एमटेक। अगर वो इस बटन पे दोबारा क्लिक करता है तो ये अनचेक हो जाएगा। जो भी चेक बॉक्स ये सेलेक्ट करेगा उसकी वैल्यू सेव हो जाएगी। पिछली बार मैंने आपको बताया था कि जो फॉर्म एलिमेंट्स होते हैं उनके हम बताते हैं हम किस तरह का फॉर्म एलिमेंट बना रहे हैं, साथ ही साथ उस फॉर्म एलिमेंट का एक नाम दे सकते हैं और उस फॉर्म एलिमेंट की जो वैल्यू है वो जो भी यूजर देगा वो यहाँ इस फॉर्म से जाएगी। हम चाहें तो कोई डिफॉल्ट वैल्यू जो है वो भी दे सकते हैं। जब हम वो फॉर्म एलिमेंट बना रहे हैं उस वक्त भी हम लिख सकते हैं वैल्यू इक्वल्स टू दिस। तो अगर यूजर नहीं देता है तो वो पर्टिकुलर वैल्यू जो है वो सेंड हो जाएगी जब आप फॉर्म सबमिट करेंगे तब। इस तरह के रेडियो बटन हमने सीखे थे। रेडियो बटन हम बनाते हैं इस तरह से दिखाई देते हैं। हम जब क्लिक करते हैं किसी बटन पे तो उसके अंदर हमें एक फील्ड सर्कल दिखाई देता है, इसका मतलब हमने ये ऑप्शन चुन लिया। जैसे कि यहाँ पर आ रहा है मेल, फीमेल, आपने ये वाला ऑप्शन चुना मेल। तो इस तरह से जब हमारे पास कई सारे ऑप्शंस में से केवल एक ही हमें सेलेक्ट करवाना होता है यूज़र से तब हम रेडियो बटन देते हैं। चेक बॉक्स में मल्टीपल सिलेक्शन पॉसिबल है, जैसे इस चेक बॉक्स को चुन लिया उसने, इस चेक बॉक्स को चुन लिया। तो जैसे कि ये क्वालिफिकेशन के लिए चेक बॉक्स बनाए हैं, ये एक ग्रुप के चेक बॉक्सेस हैं तो आप इनका जो नाम है वो सेम देंगे। इसी तरह से ये एक ग्रुप है रेडियो बटन का, तो इसका जो नाम है दोनों रेडियो बटन्स के वो आप सेम देंगे। अब जैसे यहाँ पर आप टेक्स्ट बॉक्स बना रहे हैं, यहाँ पर आप यूज़र से उसका नाम मांग रहे हैं और यहाँ कहीं उसका सरनेम मांग रहे हैं, एक और टेक्स्ट बॉक्स आपने बनाया है, तो इन दोनों के नाम अलग अलग होंगे क्योंकि ये दोनों अलग अलग वैल्यूज़ हैं। लेकिन यहाँ पर इतने सब में से एक वैल्यू आएगी या दो वैल्यू आएंगी तो आपको उनका जो नाम है वो सेम रखना है। तो ये पूरा चेक बॉक्सेस बनाने का जो कोड लिखा जाएगा, आप 1, 2, 3, 4, 5 चेक बॉक्सेस के लिए कोड लिखेंगे, पांचों में नाम क्या देंगे, सेम। ठीक इसी प्रकार से ये रेडियो बटन्स दोनों एक ग्रुप को बिलोंग करते हैं तो दोनों रेडियो बटन्स के जो नाम हैं वो सेम रहेंगे, राइट? तो हमने टेक्स्ट बॉक्स, रेडियो बटन और चेक बॉक्स ये बनाना सीख लिया था। अब आगे बढ़ते हैं, हमें इस तरह का कोई बॉक्स बनाना है, ड्रॉप डाउन लिस्ट जो है वो आ जाए। जब हम इस ड्रॉप डाउन पे क्लिक करें यहाँ लिस्ट आ जाए, सूची आ जाए, उस सूची में से हम कोई पर्टिकुलर ऑप्शन जो है वो चुन लें। यहाँ पे हम अलग अलग ऑप्शंस देंगे यूज़र को, वो इस ऑप्शन में से चुन सकता है। जैसे यहाँ पे हमने चेक बॉक्स बनाए थे इतने सारे, बजाय उसके हम एक सेलेक्ट बॉक्स बनाए, इसको हम बोलते हैं सेलेक्ट। ये जो फॉर्म एलिमेंट है इसका नाम है सेलेक्ट। ड्रॉप डाउन लिस्ट बोलते हैं कई लोग, राइट? तो
ये सेलेक्ट फॉर्म एलिमेंट आप बनाएंगे, इसमें अलग अलग ऑप्शंस बताएंगे और इन ऑप्शंस में से यूजर जो है वो कोई एक चुन सकता है, या अगर हमने बताया है कि मल्टीपल सिलेक्शन संभव है तो फिर वो मल्टीपल ऑप्शंस चुन सकता है, राइट? तो इस तरह से ड्रॉप डाउन लिस्ट बॉक्स जो है वो क्रिएट कर रहा है. तो ये सेलेक्ट फॉर्म एलिमेंट है टू क्रिएट ड्रॉप डाउन लिस्ट. अगर हमें ड्रॉप डाउन लिस्ट बनानी है तो उसके लिए हम सेलेक्ट ऑप्शन देते हैं, राइट? इसके अलावा ये सिंपल टेक्स्ट बॉक्सेस हैं. अगर हमें टेक्स्ट बॉक्स की जगह, जैसे मान लीजिए हमें यूजर से कमेंट इनपुट करवाना है, तो हमें एक बड़ा सा क्षेत्र चाहिएगा जहां पर यूजर अपने कमेंट्स भर सके, अपना एड्रेस लिख सके, या कोई फीडबैक वो दे रहा है, या कोई क्वेश्चन वो पूछ रहा है, या किसी क्वेश्चन का आंसर दे रहा है. तो एक बड़ी सी जगह चाहिएगी, इस छोटे टेक्स्ट बॉक्स से काम नहीं चलेगा. तो इसके लिए हम जो फॉर्म एलिमेंट बनाते हैं उसको बोलते हैं टेक्स्ट एरिया. तो चलिए कोड लिखते हैं टेक्स्ट एरिया के लिए और ड्रॉप डाउन के लिए. टेक्स्ट एरिया बनाने के लिए हम लिखते हैं टेक्स्ट एरिया. टेक्स्ट एरिया कितना बड़ा हो, यानी कि कितने रोज और कितने कॉलम्स बड़ा हो, ये आपको बताना होता है. तो यहाँ पर हमें इसमें एट्रीब्यूट जोड़ने पड़ते हैं, रोज इक्वल्स टू कितनी रोज और कॉलम्स इक्वल्स टू कितने कॉलम्स. उसके बाद ये जो टेक्स्ट एरिया है ये इसकी क्लोजिंग भी आपको देनी होती है. इस ओपनिंग और क्लोजिंग के बीच में अगर आप कुछ भी लिख देते हैं तो वो यहां पर लिखा हुआ दिखाई देता है, राइट? तो टेक्स्ट एरिया की वैल्यू क्या होगी, जो भी कुछ यहां पर टाइप्ड होगा. जब फॉर्म सबमिट करा जाएगा और इस क्षेत्र में जो भी कुछ लिखा हुआ है, इस टेक्स्ट एरिया में जो भी कुछ लिखा हुआ है वो सबमिट हो जाएगा. इस टेक्स्ट एरिया को आप एक और एट्रीब्यूट दे सकते हैं, नेम. नेम इक्वल्स टू जो भी आप उसको नाम देना चाहें वह. और यहाँ पे अगर आप कुछ टेक्स्ट लिखेंगे तो वो उसकी वैल्यू होगी. फॉर एग्जाम्पल हमने लिखा टेक्स्ट एरिया रोज इक्वल्स टू, हमें पांच रोज लंबा और कॉलम्स लेट से हमने दे दिए 10, राइट? इस तरह से और इसका नाम, नेम इक्वल्स टू, ये इसको हमने एक नेम दे दिया. और अगर हमें इसके बीच में कुछ लिखना है तो लिखेंगे, अदरवाइज इसकी क्लोजिंग दे देंगे टेक्स्ट एरिया की. तो टेक्स्ट एरिया फॉर्म एलिमेंट पेयर है, पेयर्ड है. आपको इसकी ओपनिंग आप दे रहे हैं जब शुरू कर रहे हैं, तो आपको इसको क्लोज भी करना है, राइट? तो इस तरह से टेक्स्ट एरिया क्रिएट करा जाता है, ये कोड काम में लिया जाता है. टेक्स्ट एरिया कितने रोज आएंगे, कितना लंबा होगा, कितना रोज आपको ये बड़ा चाहिए और कितने कॉलम्स बड़ा चाहिए वो आप बताएंगे कॉलम से. और इसका एक नाम दे सकते हैं, इसकी जो भी वैल्यू होती है वो टेक्स्ट एरिया की ओपनिंग और क्लोजिंग के बीच में आती है, राइट? तो टेक्स्ट एरिया बनाना आ गया. अब ड्रॉप डाउन लिस्ट बॉक्स के लिए कोड देखते हैं कैसे लिखेंगे. ड्रॉप डाउन लिस्ट बॉक्स बनाने के लिए हमें लिखना होता है सेलेक्ट. इस सेलेक्ट को आप नाम देंगे, राइट? ये जो सेलेक्ट है, ड्रॉप डाउन लिस्ट बॉक्स है, इसकी भी क्लोजिंग आएगी. और क्लोजिंग देने से पहले हम इसके अंदर जो भी ऑप्शंस दिखाना चाहते हैं वो दिखाएंगे, जैसे कि ऑप्शन. अगर इस ऑप्शन की कोई वैल्यू देनी है तो वो हम यहां दे सकते हैं.
जब यूजर इस ऑप्शन पे क्लिक करता है तो क्या वैल्यू सबमिट हो वो यहां पर आपको बतानी है। तो जैसे कि यहां पर हमने लिखा, मान लीजिए हम क्वालिफिकेशन के लिए बना रहे हैं बीएससी, फिर हमें ये ऑप्शन भी क्लोज करना होगा। दूसरा ऑप्शन देना है अब हमें, तो ऑप्शन वैल्यू इक्वल्स टू जो भी आप देना चाहें, देन बीकॉम ऑप्शन, फिर उसकी वैल्यू इस तरह से जितने भी आपको ऑप्शंस देने हैं, 100, 200, 10, 20, 5 है, कम ज्यादा कितने भी ऑप्शंस आप जो चीज दे रहे हैं उसमें क्या क्या ऑप्शंस हो सकते हैं वो आप इस ड्रॉप डाउन में ऑप्शन टैग के अंदर लिखेंगे, राइट। ये लिस्ट जो है वो आपकी कितनी भी लंबी हो सकती है। जब यूजर फॉर्म सबमिट करता है और जिस भी ऑप्शन पे वो क्लिक करेगा उसकी वैल्यू सबमिट होगी, राइट। ये केवल डिस्प्ले के लिए है, ये जो हमने यहाँ बीएससी, बीकॉम, बीए या जैसे यहाँ पर हमने लिखा बीई, तो जिस भी ऑप्शन पे वो क्लिक करेगा उसकी वैल्यू सबमिट होती है। आप यहाँ पे 1, 2, 3, 4 दे सकते हैं या आपको कुछ इस तरह का लिखना है वो लिख सकते हैं। लास्ट में आप ये सेलेक्ट जो है इसको क्लोज करेंगे, राइट। तो इस तरह से ड्रॉप डाउन लिस्ट बॉक्स क्रिएट करे जाते हैं। ड्रॉप डाउन लिस्ट बॉक्स को के अंदर जो ऑप्शंस हैं वो ऑप्शन टैग से बताए जाते हैं। उसके अंदर आप चाहें तो उसकी वैल्यू दे सकते हैं, क्योंकि जब फॉर्म सबमिट होगा तो जो भी ऑप्शन आप चुनेंगे उसकी वैल्यू सबमिट होगी, राइट। यहाँ पे जो ये हमने चीजें लिखी हैं ये केवल डिस्प्ले के लिए है कि हमारी ड्रॉप डाउन लिस्ट में क्या दिखे, क्या क्या ऑप्शन दिखे। तो पहला ऑप्शन ये आ रहा है, दूसरा, तीसरा, चार, इस तरह से 4 ऑप्शन देने के बाद हमने सेलेक्ट जो फॉर्म एलिमेंट है उसकी क्लोजिंग दे दी। इस तरह से हम अलग अलग फॉर्म एलिमेंट्स के लिए कोड लिखते हैं फॉर्म टैग के अंदर। जब हमारा फॉर्म कंप्लीट हो जाता है हम फॉर्म टैग को क्लोज कर देते हैं। तो टेक्स्ट बॉक्स, चेक बॉक्स, रेडियो बटन्स, टेक्स्ट एरिया, ड्रॉप डाउन लिस्ट बॉक्स, ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट जो फॉर्म एलिमेंट्स हैं वो हैं। इनको क्रिएट करके आप किसी भी तरह का फॉर्म क्रिएट कर सकते हैं, चाहे लॉगिन फॉर्म हो, रजिस्ट्रेशन फॉर्म हो, फीडबैक कमेंट के लिए आप फॉर्म बना रहे हैं, या कोई बुकिंग जैसे टिकट बुकिंग्स होती हैं उनके लिए फॉर्म बना रहे हैं, तो वो सारे फॉर्म्स जो हैं इनसे बन सकते हैं। और फॉर्म के लास्ट में हम एक सबमिट बटन बनाते हैं ताकि उस पर यूजर जब क्लिक करता है तो हमारा जो फॉर्म है वो सबमिट हो जाता है, राइट। तो ये तरीका है फॉर्म बनाने का। चलिए बच्चों, यहाँ पर हम एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से आने के बाद हम कुछ उदाहरण देखेंगे ताकि हमारा जो फॉर्म का कंसेप्ट है वो क्लियर हो सके।
चलिए बच्चों, ब्रेक हमने ले लिया, क्लास को आगे बढ़ाते हैं। एक एग्जाम्पल हम यहाँ पर देखते हैं ताकि कुछ चीज़ें क्लियर हों, और कुछ नई चीज़ें भी हम उसमें लेंगे। जैसे कि फील्ड सेट एक टैग है, उसमें हम क्या कर सकते हैं, जैसे आपने देखा होगा एक बड़ा सा रजिस्ट्रेशन फॉर्म अगर होता है तो उसमें कुछ चीज़ें ग्रुप होती हैं, जैसे पर्सनल इन्फॉर्मेशन, फिर उसके बाद लॉग इन इन्फॉर्मेशन, क्वालिफिकेशन। इस तरह से अगर हमें ग्रुप करना है तो फील्ड सेट टैग से हम ग्रुप कर सकते हैं, तो वो भी अभी हम इस उदाहरण में लेंगे। ये सिंपल एक फॉर्म है जिसमें कि दो तीन इनपुट्स हम यूजर से लेंगे, तो सबसे पहले जो टैग आएगा वो है फॉर्म। फॉर्म हमने शुरू कर दिया यहां पर। फॉर्म का अगर हम कोई नाम देना चाहें तो नाम दे सकते हैं, जैसे कि यहां पर हम यूजर से फर्स्ट नेम और लास्ट नेम दे रहे हैं, राइट। तो ये हमने फॉर्म की शुरुआत कर दी। उसके बाद अगर जैसे हमें कुछ फील्ड्स ग्रुप करनी है तो हम फील्ड FIELD फील्ड सेट, ये टैग है, ये हम यूज में ले सकते हैं। और इसी के अंदर एक लीजेंड टैग आता है जिसमें हम एक लीजेंड दे सकते हैं कि ये जो फील्ड सेट है, जैसे कि यहाँ पर हमने लिखा पर्सनल इन्फॉर्मेशन, तो ये लीजेंड हमने यहाँ पे क्लोज कर दिया, राइट। तो ये जो फील्ड्स अब इसके अंदर हम बनाएंगे फील्ड सेट के अंदर, वो ग्रुप हो जाएंगी। अब सबसे पहले हमने फॉर्म स्टार्ट कर दिया था, अब यहाँ पर हम नेम इनपुट करा रहे हैं यूजर से। हमने यहाँ पर लिख दिया नेम और टेक्स्ट बॉक्स बनाया इनपुट टाइप इक्वल्स टू क्या लेंगे हम टेक्स्ट। अगर हमें रेडियो बटन बनाना होता तो हम टाइप इक्वल्स टू रेडियो लेते, चेक बॉक्स बनाना होता तो टाइप इक्वल्स टू चेक बॉक्स लेते, सबमिट बटन बनाना होता तो टाइप इक्वल्स टू सबमिट लेते। यहाँ पे हमने लिया है टेक्स्ट, इसको हमने एक नाम दे दिया, कोई भी नाम हम दे सकते हैं, और ये चीज हो गई। अब हम चाहते हैं नई लाइन में दूसरा इनपुट आए, तो हमने दिया BR और यहाँ पे हमने दिया लास्ट नेम। तो लास्ट नेम के लिए हमने फिर यहाँ पर लिखा इनपुट टाइप इक्वल्स टू टेक्स्ट, क्योंकि हमें टेक्स्ट बॉक्स बनाना है, और इसको हमने नाम दे दिया L नेम। फिर हमने BR दिया और उसके बाद हमने बनाया है एक सबमिट बटन। अगर फॉर्म हमें यहीं ख़त्म कर देना है, हम एक यहाँ पर सबमिट बटन बनाना चाहते हैं तो सबमिट बटन बनाएंगे। और अगर हमें इसके आगे और कोई चेक बॉक्स या कुछ और बनाने होते तो वो हम लिख देते। इस चेक इस बॉक्स के ऊपर, ये सबमिट बॉक्स है, इसके बटन के ऊपर क्या दिखाई दे, क्या लिखा हुआ है, सबमिट हम चाहते हैं लिखा हुआ है, तो हमने लिख दिया सबमिट। अब हम सबसे पहले कौन सा टैग क्लोज करेंगे, फील्ड सेट। फील्ड सेट टैग क्लोज करने के बाद हम फॉर्म टैग को क्लोज कर देंगे, राइट। तो यहाँ पर क्या होगा, हमने फील्ड सेट दिया है तो कुछ इस तरह का हमको एक ग्रुप मिल जाएगा। यहाँ पर फील्ड आपका लिखा हुआ होगा कि भाई ये पर्सनल इन्फॉर्मेशन का आपने एक ब्लॉक बना दिया, और इस तरह से आप एक फॉर्म के अंदर अलग अलग फील्ड सेट्स दे सकते हैं अलग अलग तरह के इनपुट्स के लिए। जैसे एक पर्सनल इन्फॉर्मेशन को के लिए दे दिया, एक में हो सकता है आप यूज़र से उसकी क्वालिफिकेशन डिटेल्स ले रहे हैं कि उसने कौन कौन सी डिग्री ली है, तो उसके लिए आपने एक अलग ब्लॉग बना दिया। यूजर को फॉर्म जो है वो स्पष्ट और साफ और अच्छा दिखना चाहिए ताकि यूजर उसमें सही इनपुट दे सके।
अगर आप फॉर्म क्लियर नहीं बनाएंगे, सही सही उसमें डिस्प्ले नहीं होगा कि भाई यहाँ क्या भरना है क्या नहीं, तो यूज़र गलत इनपुट देगा। गलत इनपुट देगा तो आपके पास भी गलत डेटा आएगा, ऐसा डेटा आएगा जो आपके काम का नहीं होगा। इसलिए हमें ध्यान रखना है फॉर्म बनाते वक्त कि फॉर्म बिल्कुल स्पष्ट रूप से साफ उसमें पता चले कि क्या लिखना है क्या नहीं। जैसे कि हम टेक्स्ट बॉक्स बना रहे हैं तो हमने बाहर उससे पहले लिख दिया नेम, एक नेम, ताकि यूजर को पता चले कि भाई इस टेक्स्ट बॉक्स में नाम भरना है, लास्ट नेम, यानी कि इस टेक्स्ट बॉक्स में लास्ट नेम भरना है, यूजर को क्लियर हम बताएंगे। इस फॉर्म को हम और बड़ा कर सकते थे, जैसे यहाँ पर हम सबमिट बटन नहीं देकर फील्ड सेट को क्लोज कर देते, दूसरा फील्ड सेट हम लेते जिसमें हम उसका नाम दे देते क्वालिफिकेशन इन्फो, और उसमें हम यूजर की क्वालिफिकेशन लेते, राइट। तो फिर इस तरह से अलग अलग फील्ड सेट्स आप बना सकते हैं, लास्ट में सबमिट बटन देंगे और फॉर्म की क्लोजिंग देंगे। सबमिट बटन इसलिए जरूरी है हर एक फॉर्म में क्योंकि जब यूजर उस सबमिट बटन पे क्लिक करता है तो फॉर्म में जो भी इंफॉर्मेशन भरी है वो सबमिट होती है। सबमिट कहाँ होती है? यहाँ ये जो ब्राउजर पे हम अपना काम करते हैं, ये ब्राउजर क्या है? ये क्लाइंट है। यहाँ पर जो भी आप रिक्वेस्ट देते हैं उसके रिस्पॉन्स दिखाई देते हैं। तो जब आपने कोई फॉर्म भरा, आपने सबमिट किया, तो जो भी इंफॉर्मेशन आप भरते हैं वो सर्वर पर सबमिट हो जाती है, राइट। तो चलिए एक उदाहरण आपको कंप्यूटर में दिखाते हैं ताकि आपको स्पष्ट हो कि किस तरह से फॉर्म दिखाई देता है। फील्ड सेट अगर हम उस फॉर्म में लगाएंगे तो कैसा दिखाई देगा? तो यहां पर हम ओपन करते हैं एक फाइल जिसमें ऑलरेडी थोड़ा सा फॉर्म जो है वो बना हुआ है। ये देखिए, ये एक फॉर्म है, इसको हम देखते हैं। ये फॉर्म जो है इसमें सबसे पहले हमने रजिस्ट्रेशन फॉर्म लिखा हुआ है, उसके बाद हमने यहाँ पर फॉर्म की शुरुआत करी, उसको नाम दे दिया हमने रजिस्ट्रेशन फॉर्म। यहाँ पर देखिए हमने फील्ड सेट लिया है, फील्ड सेट, और पर्सनल इन्फॉर्मेशन के लिए हमने लीजेंड लगाया। वो लीजेंड जो है इस फील्ड सेट की स्टार्टिंग में दिखाई देगा। फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ये सब हमने इनपुट करवाए हैं। इसी तरह से एक और बॉक्स है जो अभी मैं आपको बोर्ड पे बताना भूल गई, पासवर्ड। अगर हमें यूजर से पासवर्ड लेना है, जैसे कि आप लॉग इन फॉर्म बना रहे हैं, तो उसके लिए टाइप इक्वल्स टू पासवर्ड दिया जाता है बच्चों। जैसे लॉग इन फॉर्म बनाते हैं तो लॉग इन फॉर्म में आप यूजर का नाम लेते हैं और उससे उसका पासवर्ड पूछते हैं। तो पासवर्ड पूछने के लिए आप टाइप इक्वल्स टू टेक्स्ट ना लिख के क्या लिखेंगे? टाइप इक्वल्स टू पासवर्ड। फिर देखिए आगे बढ़ते हैं, हमने जेंडर लेना चाहा तो उसके लिए हमने रेडियो बटन बनाया है, इनपुट टाइप इक्वल्स टू रेडियो। इसका नाम हमने दे दिया जेंडर, इसकी वैल्यू हमने दे दी है मेल, यानी कि इस रेडियो बटन पे जब क्लिक करेगा तो क्या वैल्यू सेंड होगी? मेल। हम चाहते तो ऐसे सिंपल M या 1234 करके भी कोई अपने वैल्यू दे सकते थे। यहाँ पे हमने मेल डिस्प्ले करा दिया। दूसरा रेडियो बटन बनाया, उसका भी नाम सेम दिया है क्योंकि ये एक ग्रुप को बिलोंग करते हैं। यहाँ पे भी हम जो वैल्यू है वो F भेज देते हैं और डिस्प्ले में क्या दिखाई देगा? फीमेल, राइट। फिर हमने BR दे दिया और लिखा है एंटर योर क्वालिफिकेशन। तो सबसे पहले हमने BBA के लिए चेकबॉक्स बनाया, हमने लिखा इनपुट टाइप इक्वल्स टू चेकबॉक्स। फिर हमने दूसरा चेकबॉक्स बनाया BCA के लिए। इस तरह से हमने अलग अलग चेकबॉक्स बनाए हैं और फिर हमने यूजर से उसकी स्टेट कि कौन सी स्टेट को बिलोंग करता है, हम स्टेट इनपुट करा रहे हैं। तो हम यहाँ पर ड्रॉप डाउन बनाना चाह रहे थे तो हमने उसके लिए क्या लिखा? सेलेक्ट नेम इक्वल्स टू स्टेट। अब ऑप्शंस में हमें क्या देनी होंगी? स्टेट्स।
तो हमने ऑप्शन में दिया आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, अलग अलग जो स्टेट्स हैं वो हमने यहाँ पर दे दी। उसके बाद उसके कमेंट्स इनपुट कराने के लिए हमने टेक्स्ट एरिया बना दिया। ये देखिए, ये टेक्स्ट एरिया बनाया जिसमें हमने बताया है कि 30 कॉलम्स और 10 रो का एक बड़ा सा टेक्स्ट एरिया चाहिए। लास्ट में हमने बटन बनाया है, ये कुछ अलग टाइप का बटन है, ये देखिए, ये भी आपको अभी बाद में सिखाएंगे। आप इस पर फोकस कीजिए, इनपुट टाइप इक्वल्स टू सबमिट, इनपुट टाइप इक्वल्स टू सबमिट, तो सबमिट बटन बनेगा और उस बटन पे क्या लिखा हुआ दिखाई देगा, जो उसकी वैल्यू है यानी कि एंटर। रीसेट बटन भी बनाया है ताकि जब यूजर उस पर क्लिक करे तो फॉर्म में जो भी कुछ भरा है वो क्लियर हो जाए। फील्ड सेट क्लोज कर दिया, फॉर्म क्लोज कर दिया, बॉडी और HTML भी क्लोज कर दिया है। चलिए इस फॉर्म को हम ब्राउजर में ओपन करके देखते हैं। तो इसका जो पाथ है वो है डी ड्राइव HTML, डी ड्राइव के अंदर HTML फोल्डर पे हमें ओपन करके देखना है यूजर रजिस्ट्रेशन फॉर्म। तो ये हमारी फाइल है, ये देखिए, ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म दिखाई दे रहा है। तो ये पर्सनल इन्फो यहाँ पर चालू हो गई, ये देखिए फर्स्ट नेम, इसके आगे टेक्स्ट बॉक्स आ रहा है, आप यहाँ पर एंट्री करेंगे। ये देखिए यहाँ पर हमने नाम लिख दिया, यहाँ पर हमने लास्ट नेम लिख दिया। पासवर्ड में जब हम पासवर्ड कोई चुनेंगे, जैसे कि मान लीजिए मैं यहाँ पे 123 लिख रही हूँ पासवर्ड, तो पासवर्ड आपको दिखाई नहीं देगा, इस तरह से दिखाई देगा ताकि मान लीजिए कोई आपके पास में बैठा है या कोई पीछे खड़ा होके आपका पासवर्ड देखना चाहे तो वो ना देख पाए। ये तरीका है, पासवर्ड इस तरह से आता है क्योंकि इस टेक्स्ट बॉक्स का हमने नाम दिया था पासवर्ड, इनपुट टाइप इक्वल्स टू पासवर्ड। इसी तरह से ये रेडियो बटन आ रहे हैं मेल फीमेल के, क्वालिफिकेशन के लिए चेक बॉक्स आ रहा है, और ये देखिए स्टेट हमने ड्रॉप डाउन बनाया। तो ड्रॉप डाउन में जब हम इस ड्रॉप डाउन पर क्लिक करते हैं ये लिस्ट आ जाती है, ये देखिए ये पूरी लिस्ट है जो हमने 4-5 ऑप्शंस दिए हैं, इसमें से हमने चुन लिया राजस्थान। और ये टेक्स्ट एरिया है, यहाँ पे जो भी कुछ हम लिखना चाहें, जैसे कि हम लिखते हैं पूरा कमेंट देना है, फीडबैक देना है उसके लिए। और लास्ट में यहाँ पे हमने एक बटन बनाया है अलग तरह का, उसको भी समझेंगे, लेकिन हमारा सबमिट बटन है ये एंटर, और अगर हमने क्लियर पे कर दिया तो क्या होगा, फॉर्म क्लियर हो जाएगा क्योंकि हमने दिया इनपुट टाइप इक्वल्स टू रीसेट। ये देखिए, तो हमने वैल्यूज फिल करी फॉर्म में, जो भी अपने इनपुट से वो फिल करे, और सबमिट बटन पे क्लिक किया तो जिस भी हमारी जो वेबसाइट है, वेब पेज है, कनेक्टेड है एक सर्वर से, वेब सर्वर से, उस पर ये सारी वैल्यूज सबमिट हो जाती हैं। फिर वहाँ पर हम उसके लिए भी हम कोड लिख सकते हैं, लेकिन वो कोड HTML में नहीं, स्क्रिप्टिंग लैंग्वेजेस में लिखा जाता है ताकि हम उस जो भी यूज़र ने वैल्यू सबमिट करी हैं उनको हम डेटाबेस में स्टोर करा पाएँ, या उसको हम प्रोसेस करके कुछ आउटपुट दे पाएँ, या जो भी कुछ हमें उसका करना है, राइट? तो इस तरह से कंप्लीट फॉर्म्स क्रिएट करे जाते हैं बच्चों। और किसी भी तरह का फॉर्म, जो फॉर्म एलिमेंट्स हमने पढ़े उनसे आप किसी भी तरह का फॉर्म बना सकते हैं। चलिए बच्चों, आज समय पूरा हो गया है, आज की कक्षा में बस इतना ही, धन्यवाद।